नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। बीएससी फाइनल का जो पेपर है थर्ड नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी चार यूनिट के जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और आप सभी ने उसको देख भी लिया होगा। तो यहां पर इस वीडियो के माध्यम से लास्ट यूनिट जो है अपने 5 नंबर उसके इम्पोर्टेंट पर्सन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इस यूनिट के अंदर ऑक्सीलेटर और अपना जो फीडबैक है वो आते हैं। तो सेक्शन ए के अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें। और उम्मीद करता हूँ कि इन 5 मिनट के अंदर जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं उनको अगर आप अच्छे से रीड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी पेपर्स के अंदर और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। पुनर्निवेश क्या होता है, फीडबैक क्या होता है, उसके अंदर धनात्मक फीडबैक क्या होता है और ऋणात्मक फीडबैक क्या होता है, इसके साथ साथ ऋणात्मक यानी नेगेटिव फीडबैक की विशेषताएं क्या क्या होती हैं ये भी आ सकता है। बीटा नेटवर्क की क्या विशेषताएं हैं, पुनर्निवेश सिद्धांत क्या है, पुनर्निवेश समीकरण क्या है, बार्कहाइजेन कसौटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी दोलित्रों के लिए जो कलांतर उत्पन्न करते हैं ये दोलित्र, RC फेज शिफ्ट है, कोलपिट है, हार्टले है, इन सभी के जो कलांतर हैं वो आप याद जरूर करें और इनके साथ साथ इसके जो प्रतिबंध हैं जो लास्ट में प्रतिबंध समीकरण आते हैं उनको भी याद करें, क्योंकि उन्हीं प्रतिबंध समीकरणों से आपको क्या करना होगा, न्यूमेरिकल भी हल करने होंगे। तो मुख्य रूप से इसके अंदर कोलपिट, हार्टले और RC फेज शिफ्ट जो है उसके कलांतर और प्रतिबंध आप जरूर याद करें। सेक्शन बी के अंदर नेगेटिव फीडबैक के द्वारा जो अरेखीय विरूपण है और रव न्यूनीकरण है यानी नॉइज का डिस्टोर्शन है वो किस प्रकार से होता है, 3 नंबर में आने वाला इंपॉर्टेंट पर्सन है। नेगेटिव फीडबैक की सहायता से बैंड चौड़ाई में वृद्धि किस प्रकार से होती है, आवृत्ति अनुक्रिया, ये सब चीज़ें जो है 3 नंबर में आई हुई हैं और यही 3 नंबर में यहाँ पर मिलेंगे आपको। इसके अलावा बार्कहाउजेन कसौटी में स्वतः उत्तेजित दोलनों की परिपथीय आवश्यकता क्या है, जहाँ पर बार्कहाउजेन कसौटी का जो स्टेटमेंट दे रखा है उसके आगे एक टॉपिक है, वो टॉपिक है वो 3 नंबर में आएगा, बुक के अंदर आपको दे रखा है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बनेंगे। अगर इस सेक्शन के अंदर एग्जांपल हम देखें तो पेज नंबर 263 पर एग्जांपल नंबर 2, 5, 6 और 11 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं और पेज नंबर 287 यानी कि जो दोलित्र वाले जो यूनिट है उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल नंबर 2 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आया हुआ है। इसके अलावा ये जितने एग्जाम्पल हैं 1, 2, 3, 4, 5 सभी इम्पोर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है। तो सेक्शन बी के लिए हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा मटेरियल नहीं है, थोड़ा ही मटेरियल है। फिर सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में आपको ज़्यादा चिंता करने की बात है ही नहीं, क्योंकि पहले ही आप इसको क्लियर कर चुके हैं। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो कोलपिट दोलित्र को कम्प्लीट पढ़ें, RC फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर को कम्प्लीट पढ़ें। पिछली वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे गलती से RC फेज शिफ्ट प्रवर्धक लिख दिया था, वो RC प्रवर्धक ही होता है, फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर में आता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि ये आपका पेपर है वो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी तरफ से यही प्रार्थना है कि आपके अच्छे नंबर प्राप्त हों सभी पेपर्स के अंदर। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।